हेलो, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर वीडियो अपडेट आप देखें सबसे पहले। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के। मैंने पठान दोबारा आ गया हूँ एक वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, तो आज की वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे स्लाइम। आपने इंटरनेट पे तो देखा होगा बहुत सारी चीज़ों से नए नए तरीकों से स्लाइम बनाना सिखाते हैं, पर आज हम एक और तरीका ढूंढ के लाए हैं, वो है टॉयलेट पेपर से स्लाइम बनाएंगे। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए टॉयलेट पेपर, वो थोड़ा सा फाड़ लें और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, जितने छोटे आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें डालना है नॉर्मल पानी थोड़ा सा, और इसके बाद डालना है आपको इसमें ग्लू, नॉर्मल ग्लू है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा, जो आपके घर में भी यूज़ होता होगा, घर में होगा ये चीज़ सारी। तो और इसके बाद डालना है हमें शेविंग फोम। और अगर आपको इसको कलर्ड करना है, कलर्ड स्लाइम चाहते हो, तो इसमें आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हो। रावत देना है। तो इस टाइम हम डाल देते हैं ब्लू, और अगर आप किसी और कलर की स्लाइम देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। दो ड्रॉप बहुत है। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद सबसे मेन चीज़ कॉर्नफ्लावर, ये भी आपको नॉर्मल स्टोर पे मिल जाएगा। ये बहुत देर हो गई है हमें इसको मिक्स करते हुए, तो अब इसको निकाल लेते हैं। ये हल्के हल्के अपने शेप में आने लग गया है लाइम, और इसको अब नीचे जैसे आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही करते हैं।
आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें अगर आप और किसी कलर में स्लाइम चाहते हैं तो हमें बता दें, हम बना देंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, घंटी भी दबा दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।